हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अमिता की किचन से। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चिली पटैटो, जो कि एक चाइनीज़ फूड होता है। चाइनीज़ फूड बच्चों के साथ साथ हम बड़ों को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए, देर ना करते हुए आज की रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। चिली पटैटो बनाने के लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, जिनको मैंने छील लिया है, अच्छे से वॉश कर लिया है। इनको कुछ इस तरीके से कट करना है, ना ही ज़्यादा बारीक रखना है और ना ही ज़्यादा मोटा रखना है। तो इनको एक बाउल के अंदर ऐड कर देते हैं और साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 छोटी चम्मच मैदा, 1/2 छोटी चम्मच कॉर्नफ्लोर, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और इनको हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद में अब हमें इनको 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। 5 से 10 मिनट के बाद में मैंने यहाँ पर कढ़ाई में ऑयल को बहुत अच्छे से गर्म कर लिया है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, गैस का फ्लेम हाई रहेगा। अब हम 1-1 आलू ऑयल के अंदर ऐड कर देते हैं। अब हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और इन फिंगर्स को पलट लेंगे। हमें इन फिंगर्स को इतना ही फ्राई करना है जितना कि इनकी कोटिंग बस सेट हो जाए, क्योंकि हम इनको रीफ्राई करने वाले हैं। तो बस हमें इतना ही इनको फ्राई करना है कि कोटिंग इनकी सेट हो जाए। तो अब हम इनको एक प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर्स की जो कोटिंग हुई है वो अच्छे से सेट हो गई है। तो इनको हम पूरे तरीके से ठंडा कर लेते हैं। अब दोबारा से हम इनको फ्राई करेंगे तो ऑयल बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए और गैस का फ्लेम हाई रहेगा। और इनको इसी तरीके से चलाते हुए अब की बार हम गोल्डन कलर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं, गोल्डन ब्राउन कलर हमारी फिंगर्स का आ गया है। ऐसे ही कलर आपको रखना है। तो अब हम इनको एक प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कलर कितना परफेक्ट आया है और कितने क्रिस्पी ये हमारे फिंगर्स तैयार हुए हैं। तो आपको भी इसी तरीके से फिंगर्स को रेडी करना है। तो चलिए, अब हम सॉस बना लेते हैं। तो उसके लिए नॉनस्टिक पैन में 1 बड़ी चम्मच हमें ऑयल का लेना है। 1 छोटी चम्मच इसमें हम डाल देते हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट। अच्छे से भून लेते हैं 30 सेकेंड्स तक हाई फ्लेम पर। साथ ही अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 स्मॉल साइज का स्क्वायर में कटा हुआ प्याज और 1 स्मॉल साइज़ की स्क्वायर में कटी हुई शिमला मिर्च। इनको भी हम ट्रांसपेरेंट होने तक सोटे कर लेंगे। तो प्याज हमारा यहाँ पर ट्रांसपेरेंट हो गया है और शिमला मिर्च हमारी क्रंची हो गई है। आप चाहे तो इसमें हरे प्याज का वाइट वाला पोर्शन को भी कट करके डाल सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच टमाटो सॉस, 1 छोटी चम्मच चिली सॉस, 1 छोटी चम्मच वेनेगर, वाइट वेनेगर, 1 छोटी चम्मच सोया सॉस और चुटकी भर काली मिर्च पाउडर, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और लाल मिर्च पाउडर भी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अब हमें यहाँ पर एक पेस्ट बनाना है। तो 1 छोटे बाउल में मैंने 1/2 पानी लिया है, 1 छोटी चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर की ली है। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसी तरीके से चलाते हुए हमें पैन के अंदर इसको ऐड करना है, क्योंकि कॉर्नफ्लोर नीचे बैठ जाता है तो चलाते हुए हमें इसके अंदर ऐड करना है। साथ में मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, आप अपने अनुसार पानी कम या ज़्यादा कर सकती हैं। इसको 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर हम बॉयल करेंगे। तो मैं यहाँ पर ड्राई बना रही हूँ तो मैंने इसमें थोड़ा पानी का यूज़ किया है, आप ज़्यादा पानी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमारी सॉस अच्छे से बॉयल हो चुकी है, पक चुकी है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे फिंगर्स जो हमने फ्राई करके रखे थे। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इन फिंगर्स को सॉस के अंदर। मिक्स कर लेने के बाद में यहीं पर हमें गैस ऑफ कर देनी है और गरम गरम चिली पटेटो को हमें एक बॉल के अंदर सर्व कर लेना है। आप चाहे तो गार्निशिंग के लिए हरे प्याज का हरा पोर्शन को कट करके भी चिली पटेटो के ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो ये चिली पटेटो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं क्योंकि हमने इनको रीफ्राई किया है। तो आप भी रीफ्राई ज़रूर कीजिएगा तो आपकी चिली पटेटो भी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेंगे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की मेरी चिली पटेटो की रेसिपी? रेसिपी अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। मैं मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।